नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी समीकरण जो बन रहे हैं उसमें एनडीए और महागठबंधन, जो संभावित महागठबंधन है, दोनों में थोड़ी परेशानी है, लेकिन दोनों के अंदर भी एक भूचाल चल रहा है और दोनों गठबंधन की बड़ी पार्टियां दूसरे गठबंधन के पार्टियों के साथ संपर्क में है। और ये जो सामने आ रहा है मामला, वो पोस्ट पोल अलायंस को लेकर है, सरकार बनाने को लेकर। ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी से ज्यादा बिहार में चुनाव के बाद, यानी परिणाम सामने आने के बाद, सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसमें अभी जो नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी ने जो नया गेम किया है, उसके कारण एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग रणनीति बनाने के लिए तैयार हो रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस से नाखुश है। दरअसल कांग्रेस नेता और जदयू के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और ये नीतीश कुमार इसके सूत्रधार बन गए हैं। नीतीश कुमार ने लगभग ये तय कर लिया है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से अनबन होना है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव तो लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना को यह लगभग पता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इसके लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़े तो भी कर लेंगे। इसके कारण चुनाव परिणाम आने के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना की सीटें काफी कम थी, लेकिन फिर भी शिवसेना मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे दांव पेच लगा दिए। कुछ इसी तरह बिहार में चल रहा है। बिहार में अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित रख के नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया, लगातार जदयू के ऊपर हमला किया, सरकार के ऊपर हमला किया, और जो गठबंधन न होने की स्थिति में उन्होंने जो चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने की बात की, उसमें भी उन्होंने कहा कि 143 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे और जहां जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इन बातों से नीतीश कुमार इस चीज के लिए कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान के बाद नीतीश कुमार भी लगभग ये तय कर चुके हैं कि जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो भाजपा इस बार मुख्यमंत्री की दावेदारी करेगी और इसके लिए उन्होंने दूसरा प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि इस बार चुनाव के बाद भाजपा को धोखा देने के लिए तैयार रहें और भाजपा के साथ एक बार फिर से गठबंधन खत्म करने की तैयारी भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार को भी पता है कि यह जो चुनाव होने वाला है उनके लिए लगभग अंतिम चुनाव होगा मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी नहीं पेश करेंगे और ये अंतिम चुनाव जो उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए अंतिम चांस है, लास्ट बार ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए वो किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में है। दोनों पार्टियों के बीच एक गुपचुप समझौता हो रहा है और कांग्रेस को भी इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि अगर चुनाव के बाद जो परिणाम आता है उसमें सरकार बनाने की बारी आई और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, दूसरी छोटी पार्टियों और कांग्रेस का समर्थन की जरूरत उनको पड़ती है, तो कांग्रेस उनके साथ सरकार में शामिल होगी, उनको समर्थन देगी और इसलिए कांग्रेस से राजद भी नाराज है। लालू यादव ने जो अपने बेटे को संदेश दिया है, जो उनको मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को दो टुक जवाब दिया कि कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीट नहीं देने की जरूरत है। उन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ जो बातचीत राजद में चल रही थी उसमें लालू यादव ने भी ये बात कही कि ये जो दूसरी पार्टियां राजद के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार बैठी है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है हमारे साथ, और अगर हम गठबंधन बनाएंगे भी तो आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए जो राजद के सूत्र बताते हैं, राजद के अंदर जो चर्चा चल रही है, वो भी इस बात की जानकारी राजद के नेताओं को थोड़ी बहुत हो गई है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच एक बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती है तो इस बात की संभावना होगी कि कांग्रेस पिछली बार की तरह ही कुछ ज्यादा सीटें जीत पाए। जैसे पिछली बार कांग्रेस के पास 27 सीटें थी और इस बार भी अगर 20 से 25 सीटों पर भी कांग्रेस की जीत होती है महागठबंधन में शामिल होने के बाद, तो
कांग्रेस के लिए नेगोशिएशन के चांस बढ़ जाएंगे और इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ भी गुपचुप समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर लालू यादव को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है और इसलिए महागठबंधन में उसने राजद ने 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। विकासशील इंसान पार्टी हो या वामपंथी पार्टियां हो, सबको ये बता दिया है कि आप लोगों को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन जो बातचीत होगी 150 सीटों के बाद होगी। जो बचे हुए सीट हैं यानी कि जो 83 सीट होंगे उसी के बीच आप लोगों का बंटवारा हो सकता है, उससे कम पर राजद चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस को अलग करना तो नहीं चाहती है राजद, लेकिन इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जो मांग रहे हैं कि 80 सीटें तक हमें मिलनी चाहिए, अगर 70 सीट पर भी समझौता हो तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजद 70 सीट क्या 50 सीट देने के लिए तैयार है। 50 से 60 के बीच में अगर सीट पर कांग्रेस मानती है तभी उसके साथ समझौता होगा, और वो भी तब जब वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के उतने सीट देने के लिए तैयार होती है। और वामपंथी पार्टियों के साथ जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है, जैसे CPI-ML को जो 15 सीट देने की बात हुई थी उस पर वो नाराज है, और CPI-ML ने 30 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है कि महागठबंधन के साथ अगर नहीं रहेंगे तो हम अपने 30 उम्मीदवार शुरुआती दौर में उतारेंगे मैदान में। और इसलिए कांग्रेस को जो सीटें मिलेगी उसमें दूसरी पार्टी यानी वामपंथी पार्टियां, विकासशील इंसान पार्टी का एक बड़ा भूमिका हो गई, बड़ी भूमिका के कारण ही राजद उनके साथ गठबंधन करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार अब चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। उनके नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनाने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनेगी या नहीं, क्योंकि ये जो चुनाव का माहौल अभी बिहार में चल रहा है उसमें NDA के अंदर भी दो गुट बने हुए हैं। एक गुट में NDA में जो नीतीश कुमार हैं तो दूसरे गुट में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के बीच जो आपसी सहमति बनी है उससे नीतीश कुमार के होश उड़े हुए हैं, और नीतीश कुमार को भी लगभग इस बात की जानकारी हो रही है जो चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में उससे उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार ज़्यादा सीटें मिलने वाली है जदयू से, और जदयू से अगर भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलेगी तो फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने की बात करेगी, और वैसे समय में हमारे लिए भी एक योजना बननी चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिनों JP Nadda और चिराग पासवान की मुलाकात हुई उसके बाद चिराग पासवान ने अमित शाह से भी मुलाकात की, तो इन मुलाकातों के दौर जब खत्म हुए तो उसके साथ ही चिराग पासवान की आगे की रणनीति, आगे की नीतियां, भाजपा के साथ उनका संबंध, इन चीजों पर ध्यान देकर देख रहे थे नीतीश कुमार, और इसी के कारण वो एक अलग प्लान बनाने की तैयारी करने लगे। और उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने साथ लाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत किया उसके पीछे भी ये बड़ा कारण था, क्योंकि वो चिराग पासवान के बदले एक दूसरे दलित नेता को अपने साथ लाना चाहते थे ताकि आगे के समय जो चुनाव के समय अगर चिराग पासवान उनके खिलाफ जाएं तो वो जीतन राम मांझी और अपने कुछ दलित नेता जो उनके साथ हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब नीतीश कुमार का वो दाव चलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसलिए उन्होंने अब कांग्रेस के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इसके लिए वो दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ला सकती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार और उन दोनों के बीच जो गुपचुप समझौता चल रहा है उससे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ RJD भी कांग्रेस के खिलाफ अपनी रणनीति बना रही है, और कांग्रेस को जो सीटें दी जाएगी राजद की तरफ से वो भी सिलेक्टेड सीटें दी जाएगी। राजद अपने जो वर्चस्व वाली सीटों में जो पहले समझौते के तहत कांग्रेस को कुछ ऐसे सीटें दे देता था जिसमें कांग्रेस की जीत की संभावना बढ़ जाती थी उस पर भी इस बार बातचीत होगी, और कांग्रेस जो सूची जारी की है जो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने जो राजद को 75 सीटों की सूची दी थी और उसके बाद आगे की सीटों के लिए बात की थी वो सूची को नकार दिया गया है। अब जो सूची बनेगी अगर कांग्रेस के साथ सहमति बनती है तो वो राजद फाइनल करेगा कि
किन सीटों पर कांग्रेस को देना है और किन सीटों पर राजद को चुनाव लड़ना है। तो ये सारी स्थितियां जो है वो चुनाव परिणाम के बाद जो स्थितियां बिहार में सरकार बनने को लेकर बनेगी, वही स्थितियों के लिए आज समझौता हो रहा है। आज चुनाव पर चर्चा कम और चुनाव के बाद सरकार बनने पर चर्चा और रणनीति ज़्यादा बन रही है। इसका कारण कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल के कारण जिस तरह से गाइडलाइन जारी किए गए हैं और चुनाव आयोग ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके कारण राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा जो झोंके जाने का के जो तरीके होते थे उस पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। चुनाव के प्रत्याशी जो उम्मीदवार होंगे वो 5 लोगों के साथ घूम सकते हैं, कोई फिजिकल रैली नहीं की जा सकती बड़ी, और इसके कारण जो ये सारी पार्टियां हैं बिहार की, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या बीजेपी हो, ये सारी पार्टियों को अपना सारा एफर्ट जो चुनाव के प्रचार में बड़ी रैलियों में लगाने का होता था वो एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। वर्चुअल रैलीज की जा रही है और उसके साथ साथ अपने जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो पूरे बिहार का परसेप्शन है वो बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाता था वो करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अब इन लोगों को लग रहा है कि बिहार की जनता जिसको विकल्प बनाना चाहती है वो विकल्प तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव खत्म होंगे, परिणाम सामने आएगा, तो फिर सरकार बनाने को लेके इतना समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी से ही ये तैयारी कर ली जाए कि किस किस के साथ कैसे गठबंधन बनाया जा सकता है। तो अब लगभग इस बात की जानकारी हो रही है और जो जानकारी मिल रही है जदयू के सूत्रों से उसमें भी ये तय है कि कांग्रेस के साथ जदयू की बातचीत चल रही है, और इसलिए कांग्रेस से राजद की नाराजगी और जदयू से अंदर खाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी भी है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट पोल अलायंस के बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।